अब आप लोग एक लास्ट क्लास स्टेशन और देख लीजिए, 58 है। 58 का क्वेश्चन को समझिएगा कि जय, विजय और करण ये तीन पार्टनर्स हैं जो अपने प्रॉफिट को 2:1 में डिवाइड करते हैं। डीड के अकॉर्डिंग जय और विजय को सैलरी मिलनी है 15,000 रुपीज पर मंथ की। करण को ये गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख होगा, जबकि जय ने कहा कि उसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम 2 लाख होगा। यह ध्यान रखिएगा, ये गारंटी नहीं है, ये कह रहा है कि मैं प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट 2 लाख रुपीज करूंगा ही करूंगा। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है करण के शेयर में से, तो वो अकेला जय और विजय दोनों 3:2 में शेयर करेंगे। प्रॉफिट जो कंट्रीब्यूशन था जो जय का था वो 175 का था, जबकि प्रॉमिस इसने 2 लाख का किया था और कंट्रीब्यूट केवल ये 175 कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अपने पर्सनल फंड में से अमाउंट देगा। प्रॉफिट जो फर्म को हुआ था वो 15 लाख का हुआ था। अब आप देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फर्म को प्रॉफिट हुआ था 15 लाख रुपीज का, तो बाय P&L 15 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जय ने ये प्रॉमिस किया था कि वो 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेगा अपने प्रॉफिट में, जबकि कर रहा है वो केवल 1,75,000, यानी कितने की डेफिशिएंसी है, 25,000 रुपए की। तो 25,000 रुपए आप इसमें और ऐड कर लेंगे जय कैपिटल के नाम से 25,000, तो टोटल कैपिटल जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो 15,25,000 हो जाएगी। अब देखिए हमको सैलरी पे करनी है जय को 15,000 रुपीज पर मंथ के रेट से, 1,80,000 पूरे साल की। विजय को भी 15,000 रुपीज पर मंथ के रेट से, टोटल 1,80,000। टोटल सैलरी हो गई 3,60,000। अब आप देखिए कि प्रॉफिट जो फर्म को हुआ था 15,25,000 का हुआ था, जिसमें 3,60,000 की हमने सैलरी पे कर दी, तो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट बचा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 11,65,000, यानी 11,65,000 रुपये। और हमारा रेशियो है 2:2:1, तो इसको हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में, तो जय को मिलेगा 11,65,000 का 2/5, यानी 4,66,000। विजय को 11,65,000 का 2/5, 4,66,000। और करण को मिलेगा 11,65,000 का 1/5, यानी 2,33,000। अब करण को ये गारंटी दी गई कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 5 लाख होगा, जबकि प्रॉफिट मिल उसे 2,33,000 रहा है, तो यानी डेफिशिएंसी कितने की है, 2,67,000 रुपीज की। और इसे हम डिवाइड करेंगे जय और विजय के शेयर में से 3:2 में, तो यानी जय के में से माइनस होगा 2,67,000 का 3/5, यानी 1,60,200 रुपीज, और विजय के में 2,67,000 का 2/5, यानी 1,06,800, यानी इसमें से 1,60,200 और इसमें से 1,06,800 माइनस करेंगे। तो यही किया गया है। आप यहां देखिए कि पहले प्रॉफिट जो निकल के आया 11,65,000 को उसे हमने डिवाइड कर लिया जय विजय करण में, 4,66,000 जय का, विजय का 4,66,000 और करण का 2,33,000। इसके में डेफिशिएंसी आई थी 2,67,000 की, वो इसके में प्लस कर ली, तो इसका शेयर 5 लाख हो गया। और इस 267 को हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, तो ये निकल के आई थी जो वैल्यू 160 और 200 और 1,06,800, वो हमने इनमें से माइनस किया। जय में से 1,60,200 माइनस किए, तो 3,05,800 बचा। विजय के शेयर में से 1,06,800 माइनस किए, तो 3,59,200 बचा। अगर क्वेश्चन हमसे नेट अमाउंट फाइंड करने की कहता है, तो उस केस में फिर यहाँ पे 25,000 जो जय ने हमको यहाँ पे दिए थे वो भी माइनस कर लिए जाएंगे, अगर नेट वैल्यू फाइंड करने की कहता है तो उस केस में।